हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी दोपहर के समय से कर रहे हैं ब्लॉग, लेकिन वो भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि अभी भी देव की ओम की क्लासेस चल रही हैं। मोबाइल मिलता नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर चलती हैं तो नहीं हो पाता। अभी कैसे कैसे मांगे, थोड़ा सा 5 मिनट का लग रहा है ब्रेक हुआ है तो मांगे। दोपहर बना रहे हैं निमोना चावल रोटी। आज ये भी आ जाएंगे दोपहर में, मतलब अभी आ ही रहे होंगे तो बना दे। तो दाल बन जाता है ना तो फिर निमोना नहीं बन पाता है। आज दाल चढ़ाने से पहले ही याद आ गया तो बना दे। ठंडी कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है समझ में नहीं आ रहा है। काम करने का तो खैर मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन वही है ना कि खाने का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है ठंडी में। मन बहुत कुछ करता है, ये भी खा लेते वो भी खा लेते। कल रात में मेथी का पराठा क्या पूरी बना, फिर अभी ये है आलू का पराठा बनाने के लिए सोच रहे थे। तो लग रहा है कल पराठा बना है तो फिर अब आज नहीं, फिर अभी 2-3 दिन से लगातार पूरी पराठा हो जा रहा है तो बीच करके फिर बनाएंगे। पैर में अभी मोजा नहीं पहनी हूँ, ये भी सन सन मार रहा है, जैसे गलन वाली ठंडी है। हमेशा रहता है मकर संक्रांति के बाद ठंडी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन से ही बढ़ा है। 15 तारीख को मकर संक्रांति जो हम लोग मनाए थे उस दिन से, उसी दिन के दोपहर से देखिए मोबाइल पकड़े हैं तो हाथ फूट रहा है, जैसे कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। काम करते रहो ना, अभी सुबह से नाश्ता बनाया सब चाहिए। आज नाश्ते में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि पूरी रखा हुआ था तो वहीं से हो गया। ब्रेड था, चाय, बस चाय तो पूरी था। अभी बना रहे हैं निमोना के लिए, केवल निमोना के लिए मटर अभी पीस के रखे हैं और सब तैयारी अभी करना है। चावल भी धो के कुकर में डाल दिए हैं, फिर निमोना चढ़ा देंगे तब आटा लगाएंगे उसके लिए। पहले आलू भूनेंगे, फिर उसी आलू भून के उसी में मटर को भी भून लेंगे साथ में। मटर का, मटर जो पीसे थे उसको भून चुके हैं, मसाला भून रहा। आज बाहर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि बाहर छत पड़ रहा है, तो सामने छत पड़ रहा है तो जनरेटर चल रहा है। आज खड़खड़ खड़खड़ कुछ ज़्यादा ही है गेट पे। चावल भी चढ़ा दिए हैं, ये बनने में कितना समय लगेगा। चावल का तब तक प्रेशर भी निकल जाएगा और थोड़ा सा रोटी से लिया है। केवल चावल बच्चों को भी नहीं पसंद आता, अब तो मुझे भी पसंद नहीं आता। पहले था कि चावल के साथ रोटी नहीं खा पाते थे क्योंकि थोड़ा सा चावल खाते थे फिर रोटी खाते थे तो ना, तो चावल खाने का मन ही नहीं करता था। अब आदत हो गई, अब उतना ही चावल नहीं खिलाता। अब चावल कम खाओ, मतलब रोटी ही मिले तो ठीक है, आदत पड़ गई। नहीं तो पहले सब लोगों के लिए दोपहर में रोटी बनाएंगे, अपने लिए नहीं बनाते थे। इसमें थोड़ा सा खड़ा मटर डाल देंगे ताकि पूरा पीसा पीसा रहता है ना तो उसमें समझ में नहीं आता, थोड़ा सा खड़ा डाल दो तो अच्छा लगता है देखने में। टमाटर डाल देंगे, बस मीट मसाला ही ऊपर से, बस पानी डाल दिए, बस थोड़ी देर पकने देंगे। लगभग बन गया है, बस
एक उबाल आ जाए। बटन मिले हैं, हाथ इतना सुन्न है कि गरम नहीं लग रहा है। निमोला बन गया, चावल भी बन गया, जरा आटा भी लगा लिए। अभी जा रहे हैं छत पे, थोड़ा सा धूप निकला है, बहुत तो नहीं निकला है लेकिन थोड़ा बहुत निकला है। गेहूँ, कल के गेहूँ धुले हैं तो उसको धूप में डाल दें तब रोटी बनाएंगे। निमोला बन गया, बस खाना देना, रोटी भी बना लिए, चावल भी निकल, बस खाना निकालते हैं। अभी सामान लेके बैठे हैं, खुद भी देख रहे थे तो कह पहले आपको भी दिखा दें। खरीदारी, खरीदारी तो खैर बहुत कुछ करके आए थे, मतलब खुद के लिए बहुत कुछ नहीं किए थे, लेकिन मम्मी को भी कुछ चाहिए था तो वो सब भी लेके आए थे, तो वो सब नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मम्मी के सामान को दिखाने का क्या मतलब है। उनकी जो ज़रूरत थी या उनके लिए लेना था तो वो अपना सब लिए हैं, बाकी अपने लिए क्या क्या लिए हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या लिए हैं, तो ये लाए हैं उनके लिए जीन्स, एक उनके लिए जीन्स लाए हैं, और उनके लिए ये पहले शर्ट लाए हैं। डार्क कलर का इनके पास काफ़ी मतलब हो गया था इधर बीच, रेड, येलो, ब्लू, और मतलब और ऑरेंज टाइप का भी, यही सब कलर इनके पास इधर भी ज़्यादा हो गया था, तो एक इनके लिए ये शर्ट ले आए। देव के लिए तो जींस मिला ही नहीं, लाने तो उनके लिए भी जींस गए थे लेकिन पैंट नहीं मिला, तो नहीं लिए उनके लिए, उनके लिए केवल ये एक शर्ट, तो सिंपल शर्ट है, कुछ ज़्यादा डिजाइन वाले मेरे बच्चे या जैकेट मतलब कोटी टाइप्स के नहीं पहनते हैं तो खरीदती भी नहीं हूँ। एक दो बार शुरू में खरीदे तो नहीं पहनते, निकाल के फेंक देते, कुछ इन लोगों को गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो, और उलेन में भी रहता है ना कोटी टाइप का कुछ पहनो ना तो उलेन में भी नहीं ठीक बैठता, तो उसको भी निकाल के ही पहनाना पड़ता है, तो ज़्यादातर सिंपल ही शर्ट ले आते हैं। ये सब छोटा छोटा सामान था, सॉक्स था, बच्चों वाले सॉक्स तो बच्चे पहन रहे हैं, ये एक टोपी है, मेरा कहिए मिस्टर का कहिए, जो पहन ले बाहर जाते समय, बाहर जाते समय इतना नहीं ध्यान देते हैं कि इनका कपड़ा है कि मेरा कपड़ा है, जो मुझे ठंडी से बचाए पहन लेते हैं। ये सब बच्चों का था सामान, तो खैर बहुत कुछ लाए थे अभी, और कुछ एक मेरे लिए ये साड़ी ले आए हैं। तो कपड़ा काफ़ी इसका सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है कपड़ा, बाहर आवाज आ रहा है, आधा घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जाके थोड़ा सा आगे बढ़ा है, अभी पूरा निकला नहीं है गाड़ी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। भाई साड़ी दिखा रहे थे अपना, ये साड़ी है, मुझे ज़्यादातर शिफॉन की साड़ी पसंद है, ज़्यादातर मेरे मतलब साड़ी जितनी है मेरी कोशिश रहती है कि शिफॉन की ही रहे, बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना शिफॉन के भी पसंद आ जाता है, लेकिन हल्की साड़ियाँ ज़्यादातर हल्की साड़ियाँ पसंद है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसका कपड़ा भी जॉर्जेट शिफॉन है ये, तो इसको एक अपने लिए लेके आए हैं डेली पहनने के लिए, कहीं मतलब इधर बीच साड़ी पहनते नहीं हैं तो ख़रीदते भी नहीं हैं, और ज़्यादातर जब ख़रीदना भी होता है कभी कभार तो है भी ख़रीदते हैं, क्योंकि पार्टी वेयर टाइप के जब ज़रूरत पड़ती है तो इस वजह से सिंपल साड़ी बिल्कुल नहीं है। मायके से भी जब भी मंगाना होता है मतलब कोई भी तीज पे या कुछ भी आता है या मायके जाते हैं भी हैं तो साड़ी नहीं लेते हैं, सूट ही लेते हैं, तो इस वजह से सिंपल साड़ी इधर बीच नहीं है, मतलब कम हो गया है, पहले के हैं सितारे वाले वो सब तो अब पहनने लायक है नहीं, बिल्कुल प्लेन बॉर्डर है और एक चुंदरी है सिंपल, यही चारों तरफ मतलब आँचल भी वही बस वह आँचल में ये बॉर्डर है, और इसी का वो भी है ब्लाउज भी इसी में आगे बढ़ा के दिया हुआ है, अलग से नहीं है, इसी में आगे बढ़ा के ये ब्लाउज है। ये अपने लिए एक साड़ी लिए थे, बाकी बच्चों का ही कपड़ा था, सॉक्स मेरा और इनका था, और टोपी, और
इनके लिए कुछ खास नहीं था, इनके लिए कुछ भी नहीं लेना था। टोपी तो खैर ज़्यादातर ये अपने पर्पज से लिए हैं, क्योंकि अपने ही सर में पहन के देखे हैं। मेरा तो खैर जूड़ा बनाया है तो नहीं आ रहा है, ज़्यादातर जूड़ा बनाए रह रहे हैं तो नहीं आ रहा है। यही है शॉपिंग, इसी के साथ चलिए फिर अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।